अभी तक में आपका स्वागत है। मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले मिले। चांदपुर के सैंदवार गांव में एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। बिजनौर में संचारी रोगों के बचाव के लिए जनसामान्य को जागरूक करने के उद्देश्य से जिला पंचायत अध्यक्ष साकेन्द्र प्रताप और भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष बाल्मीकी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध को लेकर बिजनौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। बिजनौर नगरपालिका परिषद ने हाईवे किनारे लगवाई 60 बड़ी स्ट्रीट लाइटें। सदर विधायक पति, भाजपा जिलाध्यक्ष और चेयरमैन प्रसन्न पति ने किया स्ट्रीट लाइटों का उद्घाटन। सुहारा में एक महिला ने अपने ही पति पर लगाया बेटी के साथ बलात्कार करने का संगीन आरोप। कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस से शिकायत की। नूरपुर के दौलतपुर बिल्लोच में समाजवादी आंदोलन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाई शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती। अफजलगढ़ के रसूलपुर गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार के आर्थिक हालात भी बेहद खराब। हल्दौर नूरपुर रोड पर ग्राम चौकपुरी के पास कार ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौत। कार चालक मौके पर कार छोड़कर हुआ फरार। बहजोई में समाज सेवी संस्था द्वारा लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए निःशुल्क वितरित किए काढ़े के पैकेट। संबल में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने संक्रमित लोगों के इलाकों को कराया सैनिटाइज। जसपुर में दिन दहाड़े 20 सड़क पर वृद्ध की चाकू से गोद गोद कर निर्मम हत्या। तमाशबीन बने रहे लोग। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर जनपद में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से चांदपुर के सैंदवार गांव में एक ही परिवार के 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि जनपद में कोरोना के दस्तक के बाद से ही चांदपुर क्षेत्र में लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संक्रमितों को क्वारंटीन कराया, साथ ही प्रशासन ने सभी संक्रमित मिलने वाले इलाकों को सील कराया। कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आने के बाद अब जनपद में कोरोना संक्रमित मामलों का आंकड़ा 300 पहुंच गया, जिसमें से अब तक 216 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जनपद में अब कुल 78 एक्टिव केस रह गए हैं। हालांकि जनपद में लगातार संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अच्छा रिकवरी रेट संकट की इस घड़ी में एक उम्मीद बरकरार रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट। कौन कौन है पॉजिटिव केस आए हैं? एक सदरपुर टेली का है और 4 सैंदवार के हैं जी, जिनमें एक क्वारंटाइन सेंटर में इंजीनियरिंग कॉलेज में है, बाकी 3 यहाँ से ले लिए गए हैं। तो सोहेड़ी एलोन हॉस्पिटल में भेजा जा रहा है इलाज के लिए। सब ठीक है, जो संपर्क में आए के लोग उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी? सबकी सैंपलिंग ले कर ली जाएगी, कल भी सैंपलिंग कराएंगे। ये नए कैसे हैं, संपर्क में आए हुए कैसे? ये संपर्क वाले केस हैं कि कॉन्टैक्ट वाले। अब कितने हैं यहाँ पर? देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध को लेकर बिजनौर में एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। इस बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता अर्धनग्न होकर पार्टी कार्यालय से प्रदर्शन करते हुए बिजनौर तहसील कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। कांग्रेस नेता मुनीष त्यागी ने केंद्र सरकार पर आम आदमी की जेब पर डाका डालने का आरोप लगाया। ये इसलिए किया है कि जिस दिन से बीजेपी की सरकार केंद्र में और हमारे प्रदेश में बनी है,
उस दिन से महंगाई कमर तोड़ हो चुकी है। किसान भुखमरी के कगार पे है, व्यापारी भुखमरी के कगार पे है, पता नहीं कितने लोग फांसी लगा के मर चुके, मकानों की छत पे से कूद के मर चुके। ये गुंगी बहरी सरकार ये आंख खोलने को और कान खोलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। कांग्रेस का हमारा आह्वान है प्रदेश का, हम उनके आह्वान पर आज इस गुंगी बहरी बीजेपी की सरकार के कान खोलने का काम हम लोग कर रहे हैं। इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया था 6 साल में, कितनी स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाने का काम किया है। इन्होंने मेट्रो ट्रेन देने का काम किया था, कहाँ मेट्रो ट्रेन कहाँ चली गई वो। इन्होंने तमाम लोगों को भूखे मारने का काम किया है, आज मजदूर भूखे मरने को तैयार है, कोई फैक्ट्री चलने को तैयार नहीं, तमाम रोजगार पट हो गए, किसान तमाम फांसी लगा के मर चुके। ये गुंगी बहरी सरकार ये नहीं चलेगी, ये जनता सब समझ चुकी है। ये झूठे बेईमानों की सरकार है, ये बहुत झूठ बोलने वाली सरकार है, ये अब चुकाव नहीं चलेगी। किस तरह का प्रदर्शन किया आप लोगों ने? हम लोग कांग्रेस कार्यालय पे हम लोगों ने धरना दिया है आज 1 घंटा, और धरना देने के बाद हम लोग यहाँ नग्न अवस्था में आने का काम हमने किया है, और हम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने का काम यहाँ पे करें। उधर नजाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नजाबाद में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर पारासर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता स्थानीय तहसील कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार राधेश्याम को ज्ञापन सौंपा। ब्यूरो रिपोर्ट। मूल्य दिन प्रतिदिन ये भाजपा सरकार बढ़ा रही है, इससे आम जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। इन्होंने 15 दिन में 10 रुपए 8 रुपए पेट्रोल व डीजल की दरें बढ़ाई। इधर लोग कोरोना जो बीमारी फैली हुई है इससे परेशान है। उधर जो है आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है देश की, त्राही त्राही मची हुई है, मजदूर बेरोजगार है, लोगों पर रोजगार नहीं है। इसके लिए हमने आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया। बिजनौर में नगर पालिका प्रशासन ने रेलवे स्टेशन नजाबाद रोड पर 60 बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगवाई। ये स्ट्रीट लाइटें अब रात का अंधेरा होते ही हाईवे को जगमगाने का काम करेंगी। सदर विधायिका सुशी चौधरी के पति मौसम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि और चेयरमैन पति शमशाद अंसारी और अधिशासी अधिकारी दुर्गेश त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से इन लाइटों को जलाकर शुभारम्भ किया। बिजनौर से तुषार वर्मा की रिपोर्ट। स्टार्ट पोल लगाकर इस पर स्ट्रीट लाइट लगाई है, क्योंकि प्राय देखा जा रहा था कि ये एक हाईवे है और एक ऐसा रोड है कि जो 24 घंटे चलता है, यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं था। नगर पालिका परिषद ने अपनी ओर से इस पर ध्यान दिया और इसको लाइटों को दोनों साइड हमने लगवाई। स्टार्ट पोल से यहाँ से ये वर्धमान कॉलेज के गेट से लेकर ये होते हुए ये स्टेशन चौराया, स्टेशन चौराहे से ये होते हुए संजीव नर्सिंग होम को जा रही है। अफजलगढ़ के रसूलपुर गाँव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला का शव घर के दरवाजे की चौखट से लटका मिला। बताया जा रहा है कि धामपुर के सुहागपुर निवासी नसीम की शादी 12 साल पहले गांव निवासी मीर अली के साथ हुई थी। घटना के वक्त सभी लोग मजदूरी करने गए थे। घर पर नसीम और उसके 2 छोटे बच्चे थे। इसी दौरान महिला ने किसी बात को लेकर फांसी लगा ली। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर बताई जा रही है। मृतका के परिजनों ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई से इनकार कर दिया। 12 साल इसकी शादी को हुआ, ये आज ये मैटर हुआ, हम कोई कार्रवाई नहीं करते। बताओ जरा क्या मामला हुआ, बताओ पूरा मामला क्या हुआ है। मैं तो जंगल गया था, मालूम नहीं था मुझे। जंगल गए थे जी, सुबह 5 बजे निकल गए थे। अच्छा, फोन पे पता चला आया था, मसला हो गया घर पर। किसने बताया तुम्हें? भाई सर फोन करा था बेंगलोर से। हाँ, मेरा भाई ने फोन करा। भाई ने कहाँ से फोन करा? बेंगलोर से। बेंगलोर से जी। तो यहाँ घर में कोई था ही नहीं? घर वालों ने नंबर नहीं था ना उनके पास, नंबर नहीं। यहाँ जब ये तुम गए हो छोड़कर बच्चों को, तो घर में कोई था नहीं? कोई नहीं था, गए थे 3 में 2 बच्चे थे। अच्छा, घर वाली थे और कोई नहीं थे। तो इसकी वजह क्या लग रही तुम्हें? कुछ वजह नहीं, पढ़ने के ऊपर ही हुई। किस बात पे? बच्चों को पढ़ा रही थे, कहना नहीं मानती थी बच्चा। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 लड़की। 2 लड़की हैं। ये शादी कहाँ से हुई थी? धामपुर सुहागपुर। सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए शव को पीएम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। क्यों बेटा, किसने परेशान किया था? हमने मारा पीटा था। किसने मारा बेटा था हमने को? किसको क्या हुआ बेटा? किसी को।
मारने के ऊपर इसे इसे मार इसे मार रही थी पढ़ तो मार रही थी हाँ क्यों मार रही थी हैं पढ़ लो तो वो मरती नहीं बेचारी हैं हैं क्यों मरी किसने डांटा था उसे किसने डांटा किसने मारा यहाँ पर आज सुबह 11 बजे एक महिला ने अपने ही चुन्नी से फांसी लगा ली। फिलहाल लड़की पक्ष आ चुका है, लड़की पक्ष कोई कार्रवाई करने के मना कर रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा उसका पीएम कराया जा रहा है ताकि सही तथ्य सामने आ सके, मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके, उसके बाद ही पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। सबकी खबर सब पर नजर, 24 घंटे पूरे सप्ताह हम पहुंचाते हैं आप तक आपकी बात, चाहे जैसे भी हो मुश्किल, कैसे भी हो हालात, हर घटना पर पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। आपके जिले की ताजा खबरें मिलती रहें आपको, चाहे करनी हो बुलंद आवाज, मनोरंजन एवं खेलकूद की खबरों का पूरा हाल, आपके जिले के कार्यक्रम और जिले की हलचल, रहे हमेशा अभी तक की खबरों के साथ। सबकी खबर सब पर नजर 24 घंटे। ब्रेक के बाद एक बार फिर अभी तक में आपका स्वागत करते हैं, आइए नजर डालते हैं अभी तक की बाकी खबरों पर। संभल में भी लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जनपद में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए। जनपद में रजपुरा से 1, संभल से 2, चंदौसी से 2 और बहजोई से 1 मामला सामने आया। संक्रमित लोगों को क्वारंटीन के लिए भेजा गया, वहीं संक्रमित लोगों के इलाकों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। संभल के बहजोई में बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास के सदस्यों ने लोगों को कोरोना संक्रमण के बचाव के निशुल्क काढ़े के पैकेट वितरित किए। दरअसल संस्था के लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली औषधियों को मिलाकर एक काढ़े का पैकेट तैयार किया। संस्था के लोगों ने ये काढ़े के पैकेट कोरोना योद्धाओं और आम जनता को भी निःशुल्क उपलब्ध कराए। बहजोई से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। बाबू मुकुट बिहारी लाल जैन सेवा न्यास के द्वारा ये काढ़ा वितरण का कार्य चल रहा है। ये आयुर्वेदिक काढ़ा है और आज जो कोरोना महामारी का समय चल रहा है उसको लेकर के हम सब लोगों को जरूरत है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, बूस्ट करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। इसके लिए न्यास की तरफ से निःशुल्क काढ़े का वितरण किया जा रहा है और हमारा न्यास का ये उद्देश्य है कि सभी लोग स्वस्थ रहें और इस कोरोना का डट करके मुकाबला करें। इसी उद्देश्य से इस काढ़े का अपने बहजोई क्षेत्र के अंदर निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में इंसान की बेरहमी से हत्या का वीडियो सामने आया, जहां दो लोगों ने दिन दहाड़े सरेआम एक बुजुर्ग की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर निर्मम हत्या कर दी। हैरत की बात यह है कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में बीच चौराहे कई लोगों के सामने इंसानियत का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और लोग तमाशबीन बने रहे। वृद्ध की हत्या का ये पूरा कांड सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हत्या की ये वीडियो वायरल हो गई। मरने वाला शख्स नई बस्ती निवासी गुच्छन खां बताया जा रहा। गुच्छन के बेटे नदीम का उसके 3 दोस्तों के साथ 300 रुपयों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद दोस्तों ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन कर रख लिया। आरोप है कि दोस्तों ने नदीम को फ़ोन करके फैसले के लिए बुलाया, लेकिन बेटे नदीम की जगह गुच्छन खां उनसे बात करने पहुंच गया। इसी दौरान नदीम के दोस्तों ने उसके पिता गुच्छन खां की चाकू से कई बार वार कर निर्मम हत्या कर दी। वायरल हुई वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये हत्यारे 60 साल के बुजुर्ग गुच्छन खां पर चाकू से लगातार वार करते हुए बीच चौराहे पर ले आए। जिस वक्त हत्यारे विरत पर चाकू से हमला कर रहे थे, मौके पर काफ़ी भीड़ मौजूद थी, लेकिन ज़्यादातर लोग तमाशबीन बने रहे। एक दो लोगों ने हत्यारों को रोकने की कोशिश भी की,
तो हाथ में चाकू देखकर वो भी बेबस हो गए। भीड़ बढ़ती देख हत्यारे सरेआम चाकू लहराते हुए फरार हो गए। बुजुर्ग की सरेआम निर्मम हत्या के बाद शहर भर में दहशत का माहौल हो गया। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर टीमों का गठन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं गुच्छन खान नाम के व्यक्ति हैं जो 60 साल के बुजुर्ग हैं। उनका कुछ लकड़ी कटाई से संबंधित पैसे बचे हुए थे, जैसे कि लेने का मामला है। मामूली सा सुनने में आ रहा है कि लगभग 1500 के आसपास पैसे के लेन देन का मामला था। इस लेन देन के मामले में कुछ युवकों ने इनका चाकू से वार किया है। हॉस्पिटल लाते लाते इनकी डेथ हो गई है। अभी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई जा रही है। उनके परिजनों से तहरीर लिखवा करके इसमें मुकदमा कायम कराया जा रहा है। वो जो युवक हैं उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम में अभी दो फील्ड में है। शीघ्र ही हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, दिन दहाड़े जो है लगभग 100 मीटर दूर पर ही चौकी थी और इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। शहर की जनता में दहशत का माहौल भी है, तो पुलिस किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए इस घटना को देख रही है? निश्चित तौर पर ये घटना बहुत दुस्साहसिक है, लेकिन इसका हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी आया है जिसमें कई लोग बैठे हुए थे वहाँ पर। अगर पब्लिक चाहती तो ये बचाया जा सकता था मामला, लेकिन अब इनको अरेस्ट करके इसके बाद हम इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो लोगों का मुकदमा दर्ज हो रहा है उसके साथ साथ इसमें अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं प्रिवेंटिव कार्रवाई वो भी हम लोग करेंगे। सर, जो दोषी अभियुक्त हैं क्या उन्हें पकड़ लिया गया है या अभी जाँच जारी है? अभी पहचान कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास फुटेज वगैरह आ गया है, हम कलेक्ट को देख रहे हैं और शीघ्र ही हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। गुच्छन खान की मौत की वजह क्या है? देखिए, जो अभी एक सरसरी तरीके से पूछताछ हुई है उसमें ये मामला आ रहा है कि गुच्छन खान के साथ तीन व्यक्ति और लकड़ी कटाई का काम करते थे, तो कुछ पैसे गुच्छन खान पर बचे हुए थे उनके, शायद 500 रुपये की बात हो रही है, कुल 1500 रुपये बचे हुए थे। इसके लेन देन को लेकर के जो है इनमें तनातनी हुई थी। बात ये भी आ रही है कि कल शाम को भी इनका झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी सूचना चौकी पर या थाने पर दी नहीं गई थी। और आज जो है उन लड़कों में जो रोष था उसमें, उसके कारण से उन्होंने चाकूबाजी की घटनाएं की है। अभी तक के इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।